देखें, पहली बात तो यह है कि बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है कि जिस तरह से ये ट्रायल किया जा रहा है। मैं बड़ा वाजह तौर पर आपको कहना चाहता हूं आज कि इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया है। और दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह इस मुकदमे को सीक्रेट तरीके से चलाया गया। पहले सीक्रेट तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, फिर सीक्रेट तरीके से रिमांड हुआ और अब सीक्रेट तरीके से कार्रवाई करके इस केस में सजा देना चाहते हैं। लीगल टीम को अदालत ने इजाजत दी, 12 रुकनी लीगल टीम जाएगी और केस अपना लड़ेगी। वड़ाई साहब जो सुपरिटेंडेंट है जेल, वो जनाब उधर से अदालत को मिसगाइड करते हैं। जब अदालत लगती है कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर, वो कहते हैं कि सिर्फ 1-2 बंदे हैं जो बाहर खड़े हैं, बाकी है ही कोई नहीं। 2 दफा या 3 दफा जाकर वो यही कहते हैं और फिर लीगल टीम पूरी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। लीगल टीम जब अंदर जाती है, अंदर का हाल ये होता है कि एक कमरा है जिसमें अदालत लगी हुई है और उस कमरे के अंदर ही एक वो जेल नुमा एक ग्रिल है जिसकी दूसरी तरफ इमरान खान साहब को खड़ा किया गया। कोर्ट के अंदर नहीं आए वो, उस ग्रिल की दूसरी तरफ ही खड़ा किया गया और तमाम लोगों ने ये कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं अदालत के अंदर इमरान खान साहब को ला रहे। तो किसी हुक्म की वहां पर तामील तो होती नहीं है। अदालत हुक्म करती है ये लीगल टीम जाएगी, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। अदालत हुक्म करती है कि इस बंदे को रिलीज कर दो, वो नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कानून तो है नहीं। आज प्रॉपर तरीके से बात करने की भी इजाजत नहीं थी वहां पर कि इमरान खान साहब से लीगल टीम बात कर सके। उनको नहीं लाया गया उस कमरे के अंदर, उस ग्रिल से बाहर खान साहब को रखा गया और उसी कंडीशन में रखा गया है। उनके ऊपर पाबंदियां सख्तियां दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। उस सेल में रखा गया है जिसके पास ना कोई जा सकता है ना उनसे कोई बात कर सकता है और एक लम्हे के लिए मूवमेंट के ऊपर उन्हें पाबंदी है। अवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि बड़े जी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहा है, उनकी बेस बहाल हो रही है और इमरान खान साहब जल्दी से निकल आएंगे। मैं बड़ा वाजह कहना चाहता हूं कि कानूनी तौर पर एक लम्हे के लिए नहीं बैठ सकते। एक मुकदमा जेन्युइन नहीं है। ये साइफर वाला केस हमारे लिए एक बेइज्जती है, शर्म की बात है एज ए नेशन हमारे लिए कि बाहर से कोई धमकी देता है और हम उसके हुक्म की तामील करते हुए अपने वजीर आजम को भी हटा देते हैं और उसी वजीर आजम को जेल में भी डाल देते हैं। तो इनका जो प्लान है वो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब को जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। आज नकुल तकसीम करने के हवाले से समाज फिक्स है। हैरानगी वाली बात यह है कि 1 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है जब चालान जमा करवाया जाता है। आम केसेस में इतनी स्पीड लगाई जा रही है, चालान जमा भी हो गया है, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट हो गया है, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अदालत को आज हमने दरखास्त दी है कि हमारी गुजारिश है कि जेल जो है वो जेल के अंदर अदालत समाप्त नहीं कर सकती और उसके लिए मामला हमारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो जब तक वो डिसाइड ना हो जाए तब तक इस कार्रवाई के ऊपर समाप्त जो है वो रोकी जाए, प्रोसीडिंग रोकी जाए, क्योंकि मामला पेंडिंग है। यहां पर तो आपको पता है ना कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो फैसले महफूज कर लिए जाते हैं, फैसले सुनाए नहीं जाते। जो फैसला कहा जाता है कि जी महफूज है, उसके बाद निकलते नहीं है। अब ये 25 तारीख इसी तरह से महफूज किया गया है कि ओपन ट्रायल हो और दूसरे नंबर पर जो नोटिफिकेशन है वजारत कानून का वो कदम करार दिया जाए कि जेल के अंदर अदालत नहीं लग सकती और जज अब्दुल सनाद साहब के हवाले से बताओ कि इस कोर्ट को ये केस असाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो पेंडिंग है। जमानत के ऊपर समाप्त नहीं हो रही, जमानत लटकी हुई है, जमानत के ऊपर मेरिट के ऊपर आर्गुमेंट ही नहीं हो रहा है। और मैं दो चीजें बड़ी तीन वादे तौर पर ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो माइंड उन्होंने अपना शो किया है कि वो किस तरह से इमरान खान साहब को इस केस में सजा देना चाहते हैं। हम जिस जज के हवाले से बात करते हैं, लोग कहते हैं जी कि आप जजेस के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो आपके हक में फैसला नहीं दे रहा। पहले नंबर पर जज साहब ने जो फैसला दिया उस फैसले के अंदर कोई ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, कोई ऐसा जुमला नहीं है जो साबित करे कि इमरान खान साहब का ये कसूर है या उन्होंने ये जुर्म किया है, नंबर वन। नंबर टू, जब अदालत से मैंने ये कहा आपने बेल इमरान खान साहब की खारिज की है, उस बेल जो ऑर्डर आपने किया है उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं कि वो कितने शवाहिद हैं। मैंने तो नहीं देखा कि कोई शवाहिद हैं उस ऑर्डर के अंदर। और तीसरी चीज, जब अदालत के अंदर प्रोसीडिंग हो रही थी तो जज साहब ने वादे तौर पर कहा कि वो साइफर तो बड़ा जी, वो तो बरामद करना है, किधर है वो, किधर गुम हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि वो साइफर कहां है, फिर जो
बड़ा क्लियर करता है कि वो जज साहब जो है वो किस तरह से इस मुकदमे को वन साइडेड देख रहे हैं, उसके मेरिट नहीं देख रहे जो उनके रिमार्क्स हैं, और जिस तरह से उजले से ये केस चलाया जा रहा है, ये फौरन इस केस के अंदर खान साहब को सजा देने के लिए प्लान बनाया गया, और खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, और ये जो फैसला होगा ये हमारी तारीख में ब्लैक, या ये कह लें कि सुर्ख अल्फाज से ये लिखा जाएगा, और ब्लैक डे होगा जिस दिन ये फैसला दिया जाएगा, जो इनका प्रोग्राम है, और ये कौम जो है ये कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त बड़ा वाजे तौर पर कौम के लिए एक इम्तिहान है, और वाजे तौर पर मैं कौम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप इसको लाइटर मोड में ना लें कि तोशाखाना के अंदर 3 साल सजा हो गई और उसके बाद सस्पेंड हो गई और फिर आप सुकून में रह जाएं। ये बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को एक पूरे प्लान के साथ अंदर डाला गया, और प्लान के साथ ही उन्हें साइड पर किया जा रहा है। सदियों में ऐसे लीडर मिलते हैं, और वो लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जो आप लोगों के लिए सब जेल में है, जो हमेशा आपकी बात करता है, उनकी सेहत के हवाले से जरा बता दें, बड़े रूमर्स हैं सोशल मीडिया पर कि उनको दिल की तकलीफ है, आप कभी नहीं चलते पड़े हुए हैं या फिर वो लागर दिखाई दे रहे हैं, आपने खान साहब को कैसा पाया, आपने तो देखा जा रहा है। देखिए मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रांग आदमी है, और हमेशा उन्होंने हौसले हमें भी दिए हैं, लेकिन अगर फिजिकल देखा जाए तो उनकी सेहत के ऊपर असर हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि वो कमजोर हुए हैं, और जब आप किसी को इस तरह अजियत में रखते हैं, उसके ऊपर सख्तियां करते हैं और उसको मेंटली तौर पर टॉर्चर करते हैं, उसको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, जो महफूज खाना है उसके ऊपर हमारी दरखास्त एक्सेप्ट नहीं की जाती कि हमारा डॉक्टर जो है वो चेक करे, तो फिर उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो उनके ऊपर फर्क है। मैं इसलिए नहीं ज्यादा बताता तो क्योंकि फिर नून लीग वाले प्रोपेगंडा करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं जी कि देखें जी उधर इमरान खान कहते हैं जी नेल्सन मंडेला बन रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं जी कि हमें खुराक दो और ये करो और यूं सख्तियां, तो बाकी लोगों ने सख्ती है, भाई बाकी लोग चोर थे जिन्होंने चोरी की, जिनके जुर्म थे, जिनकी जिन्होंने जदादें बनाई, जो मुजरम थे, हम इस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर 70 साल में एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ कि उसने कोई करप्शन की हो, जिसका 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, पूरी हुकूमत के अंदर उसने एक नई बिल्डिंग, नई मिल, नया कारखाना, नई कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सारी दुनिया के सामने रिकॉर्ड है, क्या मिला जी एक घड़ी मिली है जो कि उन्होंने पैसे देकर खरीदी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।